आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी आपन पूर्वांचल संवाद की शुरुआत कर रही है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह है बातचीत करने के लिए। क्या ये कार्यक्रम होगा और इसके तहत कितने इलाकों में आयोजन किया जाएगा? देखिए, ये आपन पूर्वांचल के नाम से 300 ऐसे पोलिंग स्टेशन चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर पूर्वांचल के भाई बहनों की आबादी 50% से ज़्यादा है। आने वाले दिनों में और इसकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल 300 पोलिंग स्टेशन हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। उन 300 जगहों पे आपन पूर्वांचल के नाम से सभाएं होंगी, संवाद होगा, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और हमने पूर्वांचल के सम्मान के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया है वो बताने का काम करेंगे। जैसे दिल्ली में छठ घाटों के निर्माण की बात, दिल्ली में छठ की छुट्टी करने की बात, या पूर्वांचल कॉलोनियों में जो विकास रुका हुआ था, जो विकास का चक्का जाम था, उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम, वहाँ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्य, चाहे वो नाली के निर्माण की बात हो, सीवर के निर्माण की बात हो, सड़कों के निर्माण की हो, ये सारे काम जो हम लोगों ने किए हैं इसको जनता को बताने का काम करेंगे। एक बात और महत्वपूर्ण है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आसाम हो गया, जहाँ पर पूर्वांचल के लोगों को अपमानित किया जाता है, यूपी बिहार के लोगों को मार पीट कर भगाया जाता है, दूसरी तरफ हम उनको यहाँ पर सम्मान देते हैं। केजरीवाल सरकार उनके हर सुख सुविधा का ख्याल रखती है, ये हम बताने का। ये राजनीतिक आरोप लंबे समय से आप बीजेपी पे जो ऊपर लगा रहे हैं, चुनाव भी नजदीक है तो ये आरोप ये सच्चाई बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नेताओं की कोई लिस्ट आपने बनाई है जो 300 पोलिंग स्टेशन पर जाकर इस संवाद कार्यक्रम? देखिए, संजय भगत जी हमारे इसके पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जो इस पूरे सभाओं के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख स्पीकर हैं हमारे, जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे दिलीप पांडे जी, उसके बाद दुर्गेश पाठक जी जो हमारे PAC के मेंबर हैं, फिर संजीव झा जी जो हमारे MLA हैं बुराड़ी से, ये सब लोग इसमें रहेंगे सभाओं। एक सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे पूछा कि हाल ही में जो मुख्यमंत्री बयान दिया उसके बाद के ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, हालांकि ऐसा कह रहे हैं कि 2015 में भी ऐसा आयोजन किया था, कह नहीं रहा हूँ, आपने के ज्यादा महसूस हो रही है आपको जरूरत? पहले सुन लीजिए, ये कहने की बात नहीं है, ये हमने किया था डायलॉग, आपको याद होगा हमने अलग अलग वर्ग के साथ डायलॉग किया था पिछले चुनाव में भी, और उसके हिसाब से घोषणा पत्र बनाया था। ऐसे ही हम इस बार भी अलग अलग वर्गों के साथ संवाद कर रहे हैं, जैसे आने वाले दिनों में SC ST प्रकोष्ठ का उनकी विंग का अभियान चलेगा, माइनॉरिटीज़ की विंग का अभियान चलेगा, वो माइनॉरिटीज़ के बीच में जाएंगे, सिखों से मुस्लिम से उनके साथ बातचीत करेंगे। तो ये हमारे अभियान का हिस्सा है, हमारे चुनाव अभियान का हिस्सा है, जो पहले भी हम कर चुके हैं वही दोबारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव अभियान में पूरी तरह से जुड़ गई है आम आदमी पार्टी। 29 सितंबर से 9 अक्टूबर तक देखिए विश्व की सबसे बड़ी रामलीला लव कुश रामलीला, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक पर।